Assalamualaikum. बहुत खूबसूरत आज का ये मुशायरा. मैं ज्यादा किसी तमहीद में नहीं, ज्यादा सीधे सीधे शायरी पढ़ता हूँ. यहाँ से मतलब पढ़ता हूँ, मतलब मुलायदा फरमा. कि तमन्ना तो यही थी इश्क का बीमार बच जाता. तमन्ना तो यही थी इश्क का बीमार बच जाता. तमन्ना तो यही थी इश्क का बीमार बच जाता. अगर हफ्ते को मरता तो मेरा इतवार बच जाता. तमन्ना तो यही थी इश्क का बीमार बच जाता. अगर हफ्ते को मरता तो मेरा इतवार बच जाता. तो सुकूने कल्ब की खातिर तेरा दीदार कर ले. सुकूने कल्ब की खातिर तेरा दीदार कर लेते. ततैयों से अगर वो रोजाने दीवार बच जाता. पतंगों से अगर वो रोजन दीवार बच जाता. मैं यहाँ से चार मिसरे पढ़ता. मुनादा फरमाए कि जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस. जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस. इस जंग का आगाज है, अंजाम नहीं है. जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस. इस जंग का आगाज है, अंजाम नहीं है. बीवी से छुट्टी जान तो पीछे पड़ी हूरे. इंसान की तकदीर में आराम नहीं. जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस. इस जंग का आगाज है, अंजाम नहीं है. बीवी से छुट्टी जान तो पीछे पड़ी हूरे. इंसान की तकदीर में आराम नहीं. और माना जाते हो तुम वलीमे में और इससे हलाल खाते हो. माना जाते हो तुम वलीमे में और इससे हलाल खाते हो. नाक लेकर न बोलना हमसे, तुम तो सत्य का माल खाते हो. नाक लेकर न बोलना हमसे, तुम तो सत्य का माल खाते हो. यहाँ से एक मतला दो तीन शेर पढ़ता हूँ. मुलायदा फरमाया मतला बराए मतला. फिर एक शेर में आपकी शिरकत. कि लड़ना है मुझको सबके अधिकार के लिए. लड़ना है मुझको सबके अधिकार के लिए. मजदूर के लिए कभी बीमार के लिए. अब यहाँ से शेर सुने के मजदूर के लिए कभी बीमार के लिए. पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी. पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी. लट्ठे का ध्यान लीजिए बीमार के लिए. पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी. लट्ठे का ध्यान लीजिए बीमार के लिए. लट्ठे का ध्यान लीजिए बीमार के लिए. इस ताक में हूँ आएगा मस्जिद में कब सिमेंट. इस ताक में हूँ आएगा मस्जिद में कब सिमेंट. छींटे तो कल चुराए थी दीवार के लिए. इस ताक में हूँ आएगा मस्जिद में कब सिमेंट. ईटे तो कल चुराई थी दीवार के लिए. ईटे तो कल चुराई थी दीवार के लिए. और वो शख्स लोग कहते हैं नाबीना हो गया. वो शख्स लोग कहते हैं नाबीना हो गया. आंखें जो बंद रखता था दीदार के लिए. वो शख्स लोग कहते हैं नाबीना हो गया. आंखें जो बंद रखता था दीदार के लिए. और ये शेर सुने के ऐसी हुई है यार पे उड़ियाने सवार. ऐसी हुई है यार पे उड़ियान या सवार. मलमल खरीद लाया है शलवार के लिए. ऐसी हुई है यार का उड़ियान या सवार. मलमल खरीद लाया है शलवार के लिए. और दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई. दुनिया बमों के दौर से आगे गुजर गई. हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए. दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई. हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए. और गंजा है और जावजा फोड़े हैं फुंसियां. दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई. हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए. गंजा है और जावजा फोड़े हैं फुंसियां. सर ऐसा हमने चुन लिया दस्तार के लिए. सर ऐसा हमने चुन लिया दस्तार के लिए. और एक मतला दो तीन शेर और देखे के प्यारी उर्दू तेरा मैयार गिराने के लिए. प्यारी उर्दू तेरा मैयार गिराने के लिए. शेर कहता हूँ मैं कुछ खाने कमाने के लिए. प्यारी उर्दू तेरा मैयार गिराने के लिए. शेर कहता हूँ मैं कुछ खाने कमाने के लिए. और मैंने रसमन ही कहा था मेरे लायक खिदमत. मैंने रसमन ही कहा था मेरे लायक खिदमत. बकरियाँ दे दी मुझे उसने चराने के लिए. मैंने रसमन ही कहा था मेरे लायक खिदमत. बकरियाँ दे दी मुझे उसने चराने के लिए. और हाँपता क्यों है तू अब रेस के घोड़े की तरह. हाँपता क्यों है तू अब रेस के घोड़े की तरह. पीटी उषा मिली थी क्या भगाने के लिए. हाँपता क्यों है तू अब रेस के घोड़े की तरह. पीटी उषा मिली थी क्या भगाने के लिए.
और एक नज़्म पढ़ता हूँ, उससे पहले चार मिसरे सुने कि आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई, आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई, दिल से हसीन चेहरों की चाहत नहीं गई, आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई, दिल से हसीन चेहरों की चाहत नहीं गई, नजरिए से शेख जी की कमर झुक गई मगर खुशबू बदन से मलने की आदत नहीं गई, नजरिए से शेख जी की कमर झुक गई मगर खुशबू बदन से मलने की आदत नहीं गई। यहाँ से नज़्म सुने के अपने वालिद से बोला, एक लड़का मेरे मन में समा गई मलका, अपने वालिद से बोला एक लड़का मेरे मन में समा गई मलका, सारी मस्ती में बस हसीन है वो, सच तो ये है कि नाज़नीन है वो, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, मेरा उससे कराइए रिश्ता। सुन के वालिद जी बोले लड़के से, थोड़ा सरगोशियों में हल्के से, उनके घर मेरा आना जाना था, खाना पीना था, रहना सहना था, उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो ये है तुम्हारी बहन है वो, उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो ये है तुम्हारी बहन है वो। अपने अब्बा की बात यह सुनकर जिसमें लड़के का हो गया अब तक, माँ ने देखा जो हाल बेटे का, माँ के सीने में जाग उठी ममता, इस तरह माँ ने फिर जुबान खोली, अपने बेटे से प्यार से बोली, मुद्दतों से जो बोल है मुझ पर, लाजवाब खोल दूँ तुझ पर, अपने अब्बा की बात से मत डर, जिससे चाहे तो उससे शादी कर, वो तुम्हें तो करके छोड़ी है, तेरे वाले को बन लौली है। खतौली साहब ने आपको जिंदा किया, आपको जगाया,